आज यह वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन के बारे में। आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि स्प्लिट एयर कंडीशनर को का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन करते समय। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर इस वीडियो को अगर आपको मालूम है इंस्टॉलेशन करना, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट वीडियो देखिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश लियोमेटिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉलेशन करते समय जब हम कहीं भी जाते हैं परचेस करने के लिए, बाई करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ऑर्डर करके चले जाते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या फिर किसी ऑफलाइन किसी शॉप पर ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ से यूनिट भेजा जाता है हमारे घर पर, और उसके साथ में टेक्नीशियन जो भी इंजीनियर आते हैं उसे इंस्टॉल करने के लिए, वो बाद में आते हैं या तो साथ में आते हैं यूनिट के साथ में। तो होता क्या है कि आप किसी भी कंपनी का यूनिट आप परचेस करते हैं, तो उसके साथ में आउटडोर अलग पैकिंग में रखा जाता है, अलग बॉक्स में रखा जाता है, इंडोर अलग बॉक्स में रखा जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं इमेज में, आउटडोर और इंडोर दोनों में एक लेवल लगा रहता है, आउटडोर में भी वही लेवल लगा रहता है, इंडोर में भी वही लेवल लगा रहता है। उसको सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों लेवल दोनों मॉडल नंबर सेम है क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउटडोर दूसरी कंपनी का आ जाता है, इंडोर दूसरे मॉडल का आ जाता है, दूसरे मॉडल नंबर का, जिससे क्या होता है कि बाद में प्रॉब्लम होता है, इंस्टॉल करने के टाइम पर प्रॉब्लम होता है, या फिर इंस्टॉल करने अगर हो भी गया, अगर किसी तरह से अगर चल भी गया तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आप सेम कंपनी का इंडोर और आउटडोर दोनों लेवल आप मिला लें कि दोनों लेवल सेम है, सेम मॉडल नंबर है। दूसरा पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यूनिट तो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है, उसके लिए जितने भी टूल्स चाहिए, टूल्स जो तो इंजीनियर आएगा वो तो टूल्स से लेकर के आएगा सबको इंस्टॉल करने के लिए। उसके साथ में ध्यान क्या रखना है कि अगर इंस्टॉल करने के टाइम आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे इमेज के थ्रू आप देख रहे हैं कि इस तरह इंस्टॉल करना है कि आपका सिस्टम कहाँ पे, सबसे पहले आपको जगह देखना होगा कि कौन से जगह पे हमें इंस्टॉल करना है, ताकि सीधा सनलाइट ना आने पाए। क्योंकि सनलाइट अगर सीधा आता है एयर कंडीशनर के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है कि कूलिंग उस तरह से नहीं दे पाएगा जिस तरह से नया एयर कंडीशनर सिस्टम कूलिंग करता है, उस तरह से कूलिंग कभी भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हमेशा शिकायत बना रहेगा कि सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है। अगर सनलाइट डायरेक्ट एयर कंडीशनर के ऊपर आ रहा है, या फिर आपका रूम ऐसे जगह पर है जहाँ की पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक सनलाइट रहता है अंदर, तो ऐसे जगह पर क्या होगा, एयर कंडीशनर सिस्टम अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको करना होगा कि आप अच्छी तरह से पूरा पैक करना होगा रूम, ताकि सनलाइट अंदर ना आने पाए। अब बात करते हैं कि इंस्टॉल करने के टाइम जो लोग इंस्टॉल करते हैं उनके लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जो हैंगर होता है इंडोर का, सबसे पहले इंडोर से यूनिट आप इंस्टॉल करेंगे, तो इंडोर यूनिट इंस्टॉल करने के लिए आप प्लेट का लेवल नाप लें, प्लेट के बाहर जो साइज, जो आउटलेट पाइप हम निकालेंगे, जो कॉपर पाइप हमारा निकलता है बाहर, उसे हम निकालेंगे। निकालने के लिए उसका प्लेट के साथ में हम मापेंगे कि 3 इंच या फिर 4 इंच जितने पे भी होल मारना है, हमें इस तरह से कटर से हम होल मारेंगे। जो कटर वीट आता है, एक पहले जैसा नहीं है कि पहले छीने और हथौड़ी शुरू कर देते थे काटने के लिए, लेकिन अब कोर कटिंग का जो वीट आता है उससे हम कटिंग करते हैं, ताकि अच्छी तरह से गोल राउंड में सुराख होता है उससे, और वहाँ से आउटलेट पाइप जो पानी का पाइप होता है वो भी निकल जाता है, या फिर जो कॉपर का पाइप है, जो रेफ्रिजरेंट हमारा आउटपुट इनपुट होता है, वो रेफ्रिजरेंट का पाइप हमारा कॉपर पाइप निकल जाता है बाहर वहाँ से, तो उसे होल मारना है और इंडोर का प्लेट हमें लगा लेना है। लगाने के बाद अब देखिए, इंडोर का जब हम प्लेट लगाते हैं, हैंगर जब लगाते हैं वहाँ पर इंडोर टांगने के लिए, तो उसका लेवल भी लिया जाता है, लेवल पट्टी एक आता है उससे लेवल लिया जाता है। अब देखिए पानी किधर हमें आउट करना है, किधर निकालना है, क्योंकि कंपनियाँ क्या करती हैं, दो तरफ देती हैं,
क्योंकि होता है कभी कभी कि कॉपर पाइप हम किस तरफ निकालेंगे, बाएं तरफ निकालेंगे या फिर दाहिने तरफ निकालेंगे, इसलिए वाटर ड्रेन दोनों तरफ दिया रहता है कि कौन से तरफ आपको निकालना है। तो जिस तरफ भी निकालना हो आप लेवल पट्टी, जो लेवल पट्टी से आप प्लेट को आप माप लें कि कौन सा लेवल किधर है हमारा, किधर है ढाल है, किधर है ऊंचा है, आप नॉर्मल साइज पे लगाएं तो ही बेहतर होगा। लेकिन अगर बारीक बाल जैसा या फिर थोड़ा सा अगर डाउन रहे, किधर जिधर पानी आपको निकालना है आउटपुट, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ढाल रहेगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे साइड में अगर ढाल रहेगा तो कभी भी नहीं चलेगा, आपका वाटर रूम में ही टपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक कोशिश करें कि जब भी इंस्टॉलेशन कर रहे हों तब वहाँ पर ढाल आपका उसी तरफ थोड़ा सा बाल जैसा होना चाहिए जिधर आपको पानी निकालना है। अब आगे बात करते हैं कि हमारा इंडोर का प्लेट भी लग गया, हैंगर लग चुका है। अब हमें इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से इंडोर का कनेक्शन भी कर लेंगे। देखिए इंडोर का कनेक्शन करने के लिए उसमें कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि बाहर का एक एक छोटा सा पट्टी लगा रहता है उसे खोल करके आप वहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडोर सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसका फ्रंट पूरा पैनल खोलना पड़ता है, जहाँ से कि कूलिंग कॉइल पूरा बाहर निकल जाता है। नए सिस्टम ऐसे आते हैं कि पूरा ग्रिल पूरा कवर आपको खोलना पड़ता है, तब वहाँ से वायरिंग की जाती है। तो इंडोर से वायरिंग, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो आउटडोर से इंडोर के लिए आता है, कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि इंडोर से आउटडोर के लिए जाता है। तो जिधर से भी जाता हो तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इंडोर से आउटडोर के लिए कनेक्शन है, कम्युनिकेशन वायर जो मेन सप्लाई इंडोर में जा रहा है और इंडोर से आउटपुट के लिए निकलता है और आउटडोर में जाता है, तो वहाँ पर क्या करें, जब भी हम मेन सप्लाई MCV का देते हैं तो वहाँ पर जॉइंट नहीं रखना चाहिए कभी भी। जितना बड़ा कंपनी ने वायर दिया है उसमें जो मेन वायर दिया है न्यूट्रल फेस का जो वायर दिया है उसमें उतना ही बड़ा आपको रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि ध्यान में कि आपका करंट जो न्यूट्रल फेस आप दे रहे हैं वो नज़दीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर दूर है न्यूट्रल फेस जो आपका MCV अगर दूर है तो आप अपने स्प्लिट एयर कंडीशनर के वायर में दूसरा अलग से वायर जोड़ें, ऐसा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा कंपनी ने वायर दिया है उतने ही बड़े वायर में आपको कंप्लीट करना होता है, मतलब अगर आपका MCV दूर है तो उसे आपको पास लाना चाहिए MCV। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा MCV भी लग चुका है, कनेक्शन भी हो चुका है। अब कनेक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कनेक्शन देते समय आप न्यूट्रल लाइन कंट्रोल और V ऐसे करके दिया रहता है, तो जो वायर आप इंडोर में जोड़ रहे हैं वही वायर आपको आउटडोर में सेम जोड़ना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इंडोर में जोड़ने के बाद वायर आप या तो पिक्चर क्लिक कर लें, फ़ोटो खींच लें और आउटडोर में जा कर के सेम वायर वैसे ही वायरिंग करना होगा आपको। अगर सेम वायरिंग नहीं करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, उसमें बार बार एरर देने लगेगा। F1 का अगर जिस कंपनी का एयर कंडीशनर होगा उस कंपनी का उस तरह का कम्युनिकेशन वायर का एरर दिया होगा। कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं उसमें F1 देता है, E4 देता है, E2 देता है, इस तरह का कुछ एरर शो करता है उसमें अगर कम्युनिकेशन वायर का एरर रहता है तो वहाँ पर अगर आप गलत जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर आपने न्यूट्रल लाइन में जोड़ दिया उसके बाद VS ऐसे करके दिया रहता है, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग का कोड देती हैं, तो वी का अगर वायर आप यहाँ पे ब्लैक वायर देते हैं, रेड वायर देते हैं और बाहर जा कर के येलो वायर दे देते हैं या फिर ब्लू वायर दे देते हैं, तो बाहर जा कर के आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन वायर का एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी इंडोर का वायर आप जोड़ रहे हैं उसी तरह का वायर आपको बाहर भी जोड़ना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने इंडोर भी लगा लिया, आउटडोर भी लगा लिया, आउटलेट अब ड्रेन होता है, ड्रेन पाइप जो हम आउटलेट निकालते हैं उसे भी हमने लगा लिया एक तरफ। अब धीरे धीरे आपको पाइप को वेंड करना होता है, जो पाइप अगर पीछे डायरेक्ट आपको दे रहे हैं इंडोर, अगर आपका नीचे है या फिर आपका स्प्लिट AC जो इंडोर लगा हुआ है वहाँ से अगर आपका आउटडोर ऊपर है या फिर नीचे है, तो पाइप को आपको धीरे से यू वेंड करके इस तरह से आप देख सकते हैं, एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से आपको इमेज के थ्रू इस तरह से बता रहा हूँ, इसी तरह से पाइप आपको कॉपर पाइप बेंड करना होता है ताकि बाहर से जो बरसात का पानी होता है वो डायरेक्ट आपके रूम में ना आने पाए।
इस तरह से यू बेंड रहेगा तो कभी भी नहीं आएगा आपके रूम में पानी। अगर ऊपर से सीधा अगर नीचे आपके रूम में आ रहा है तो यहाँ पर अगर बरसात का पानी उसके उसको पकड़ कर किसी भी एमसील से या फिर किसी भी तरह से आप ब्लॉक कर दें तो भी पानी थोड़ा थोड़ा रिसाव होकर के आपके रूम में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि यू तरह का बैंड आपको थोड़ा सा बाहर बनाना होता है। अब बात करते हैं कि कितना लंबा कॉपर पाइप आपको लगाना चाहिए आउटडोर से। अब आउटडोर हमारा इंस्टॉल करने का कब आ रही है, इंडोर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडोर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम आउटडोर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आउटडोर इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर हैंगर पर आपको रोकना है दीवार पर माउंट करना है तो इस तरह से माउंट करें, इस तरह से माउंट करना होगा। अगर आप नीचे रखते हैं, चाहे आप ज़मीन पर रखते हों या फिर किसी भी जहाँ भी रखते हों, तो उसमें एक वाइसर आता है जो कि प्लास्टिक का रबर के जैसा होता है, उस पर आपको स्टैंड करना होता है आपको एयर कंडीशनर को। अगर आप वॉल पर माउंट करते हैं तो भी वहाँ पर ऑलरेडी कंपनी की तरफ से आपको एक रबर दिया जाता है, ब्लैक कलर का चार रबर दिया जाता है चारों पैर के नीचे लगाने के लिए, ताकि एयर कंडीशनर सिस्टम जब भी चल रहा हो तब वो वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना करे, इसलिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब आउटडोर भी इंस्टॉल करने के बाद तो वहाँ पर क्या होता है कि अब हमें पाइप ज्वाइंट करना होता है। पाइप कैसे ज्वाइंट करना है, पाइप को कुछ कंपनियां फ्लेयर बना करके देती हैं डायरेक्ट, कुछ कंपनियां फ्लेयर नहीं बनाती हैं, फ्लेयर हमें खुद बनाना पड़ता है। तो फ्लेयर को भी बनाने के लिए सफाई से फ्लेयर बनाना चाहिए, उसके लिए आप कुछ लोग फाइल कहते हैं उसे, कुछ लोग रेती कहते हैं, जो कि अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लेना चाहिए। कॉपर पाइप को साफ़ करने के बाद जब भी फ्लेयर बनाएंगे तो इतना खूबसूरत फ्लेयर बनेगा वहाँ पर के कि ऐसा लगेगा कि कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं। कंपनी वाले जब फ्लेयर बना करके देते हैं तो उनका फ्लेयर इतना साफ इतना क्लीन दिखता है कि ऐसा लगता है जैसे कौन बना करके दिया है, जैसे ऐसे लगता है कि ये नेचुरल है बना करके दिया गया है। उसी तरह का फ्लेयर आप बनाना चाहते हैं तो उस तरह का फ्लेयर बनाने के लिए आप रेती से फाइल से आप अच्छी तरह से उसे घिस लें, घिसने के बाद उसे एक मार्क पेपर्स होता है मार्क पेपर उससे आप घिस लें, अच्छी तरह से घिसने के बाद और बिल्कुल राइट एकदम परफेक्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए उसका फ्लेयर टूल लगाने के बाद उसे फ्लेयरिंग करें, उसी तरह से जिस तरह से कंपनी बना करके देती है उसी तरह से फ्लेयर आपका बनेगा। बनने के बाद ज्वाइंट कर दें, ज्वाइंट करने के बाद अब हो गया हमारा कि कॉपर पाइप भी हमारा आउटडोर इंडोर से ज्वाइंट हो गया, कम्युनिकेशन वायर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट तो ऑलरेडी कंपनी उसमें इंस्टॉल करके देती है, कंपनी उसमें रेफ्रिजरेंट आउटडोर में भर कर देती है। अब यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेंट को खोलना है और रेफ्रिजरेंट का हमें लीकेज चेक करना है कि जहाँ जहाँ हमने पाइप को ज्वाइंट किया है फ्लेयर पर वहाँ पर लीकेज तो नहीं है, लीकेज हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पाइप हम ज्वाइंट कर देंगे लेकिन रेफ्रिजरेंट अभी नहीं खोलेंगे। अगर आपके सिस्टम में R32 है या फिर R410 है तो यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, उसे वैक्यूम करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमारे पास एक वैक्यूम पंप होना चाहिए या फिर वैक्यूम कंप्रेसर भी होना चाहिए, कंप्रेसर भी रहेगा अगर वर्कशॉप कंप्रेसर रहेगा वैक्यूम करने के लिए तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से वैक्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम पंप है अच्छे कंपनी का, अच्छे क्वालिटी का वैक्यूम पंप है तो उससे भी आप वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम कैसे करना है, वैक्यूम करने के लिए हमारा वाल्व तो बंद रहेगा, जो एलकी वाल्व होता है आउटडोर में जहाँ से हम रेफ्रिजरेंट को खोलते हैं वो हमारा बंद रहेगा और पाइप हमारा कनेक्ट रहेगा तो वहाँ से जब वैक्यूम हम करेंगे तो सीधा हमारा इंडोर वैक्यूम होगा, आउटडोर वैक्यूम नहीं होगा जब तक कि हमारा एलकी बंद रहेगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट हमारे आउटडोर में है। तो यहाँ पर वैक्यूम करने के बाद दोनों पाइप वैक्यूम सिर्फ उतना ही होगा जितना एक हमारे इंडोर में और जितना लंबा पाइप आउटडोर से लेकर के इंडोर तक जो कॉपर पाइप लगा होगा सिर्फ वही सिर्फ वैक्यूम होगा। तो उसे वैक्यूम करें अच्छी तरह से, वैक्यूम हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद वैक्यूम पंप हम निकाल लेते हैं वहाँ से, उसके बाद रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा हम खोलते हैं, चाहे आप सक्शन से खोलें या फिर डिस्चार्ज से खोलें कोई दिक्कत नहीं है, वही बात तो वही होगा।
तो यहाँ से सक्शन या डिस्चार्ज से थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट को हम खोलेंगे और इनडोर में जहाँ पे एक जॉइंट है जो कॉपर पाइप हमने जॉइंट किया है वहाँ पर चेक करेंगे और आउटडोर के पास भी फ्लेयर जो लगा हुआ है वहाँ पर चेक करेंगे। दोनों जगह हम चेक करेंगे कि कहीं पे हमारा लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज का संभावना है थोड़ा 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट तक वेट करें, साबुन का झाग लगा करके वहाँ पे चेक करेंगे कि बुलबुले तो नहीं बन रहे। अगर बुलबुले बन रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से टाइट करने की ज़रूरत है। अगर बुलबुले नहीं बन रहे हैं 3 मिनट या फिर 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद आप पूरा रेफ्रिजरेंट को खोल दें। रेफ्रिजरेंट खोलने के बाद उसके बाद आप एयर कंडीशनर को स्टार्ट कर सकते हैं। एयर कंडीशनर स्टार्ट करने के बाद आपका कूलिंग मेंटेन आपको मेंटेन होने तक आधे घंटे या 15 मिनट लगेगा। कुछ समय आपका कूलिंग मेंटेन हो जाएगा और आपका एयर कंडीशनर सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। बस इतना होता है इंस्टॉलेशन करने का तरीका और इंस्टॉलेशन करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉलेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, अगर कोई भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।